हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते क्या हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द इन्फॉर्मेशन इज फ्लोइंग। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अपवर्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कि सेम लेवल पे हो रहा है। कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन अ वैरायटी ऑफ डायरेक्शन। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज है, वो बहुत सारे डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन के हम अंदर देखें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देखें, हमारा मैसेज अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। इन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो पहले तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइजर्स के बीच, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स के बीच, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। और जो हम सप्लायर से कम्युनिकेट करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से कम्युनिकेट करते हैं, या कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनल के फोर टाइप्स होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। अपवर्ड का मतलब जैसा कि समझ में आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन जाती है। डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है सेम लेवल पे इंफॉर्मेशन। हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं हॉरिजेंटल, यानी सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। और डायगोनल का मतलब होता है इस तरह से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से क्रॉस, उसे हम कहते हैं डायगोनल। चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू हायर लेवल एम्प्लॉयज, यानी इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल एम्प्लॉयज से हायर लेवल एम्प्लॉयज की तरफ फ्लो होती है। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सुपरवाइजर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, उनसे कम्युनिकेट करने। तो यहाँ पे लोअर लेवल एम्प्लॉय किसके पास जा रहा है, सुपरवाइजर कौन सा, हायर लेवल एम्प्लॉय होता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल से हायर लेवल पे फ्लो हो रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसा कि इसका नाम से हमको पता लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वेन वर्कर्स रिपोर्ट टू अ सुपरवाइजर, जब वर्कर्स सुपरवाइजर के पास जाकर रिपोर्ट करें, और टीम लीडर्स रिपोर्ट टू अ डिपार्टमेंट मैनेजर, या फिर टीम लीडर जो है वो डिपार्टमेंट मैनेजर, क्योंकि डिपार्टमेंट मैनेजर क्या होता है, टीम लीडर से ऊपर आता है, तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। सेकेंड है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन कंपनी लीडर्स एंड मैनेजर्स शेयर इन्फॉर्मेशन विद लोअर लेवल एम्प्लॉयज। मान लीजिए मैनेजर को कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है लोअर लेवल एम्प्लॉय के पास, सुपरवाइजर के पास या एम्प्लॉयज के पास, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड, यानी ऊपर से इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एन अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू CEO, अगर कोई किसी कंपनी का CEO बदल जाता है, कोई नया CEO आता है और ये इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज को दी जाती है, तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। या फिर मर्जर विद अ फॉर्मर कंपेटिटर, तो कोई पहले का हमारे कंपनी का कंपेटिटर था, यानी हम दूसरी कंपनी थी और उसके साथ हमने क्या किया, उसको मर्ज कर लिया अपने में, तो इस इन्फॉर्मेशन को जब एम्प्लॉयज को बताया जाएगा तो हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी ऊपर से इन्फॉर्मेशन आई है नीचे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन को हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम लेवल पे होता है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द सेम लेवल। सेम लेवल का यहाँ पे क्या मतलब है, मान लीजिए कई सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, तो देखा जाए उनकी पोजीशन जो है, उनकी जो पोस्ट है, वो सेम है, क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उनमें से कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब एक लेवल पे हैं। तो वो जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। या एम्प्लॉयज जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कौन सा कहलाता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। या फिर अगर मैनेजर हैं, वो दूसरे मैनेजर से कम्युनिकेट करें, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं, वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर ऑफ परचेस डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो मैनेजर ऑफ परचेस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं, वो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से जब कम्युनिकेट करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा
डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल का मतलब होता है इस तरह से जो हम टेढ़ी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं हम डायगोनल। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मतलब अपने मैनेजर से वो नहीं कम्युनिकेट करता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट करता है, तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इज क्रॉस फंक्शनल। क्रॉस फंक्शनल जैसा कि मैंने आपको बताया, नहीं क्रॉस में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन इम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग लेवल पर कम्युनिकेशन ये होता है लेकिन हमेशा क्रॉस में होता है, तो सेम लेवल पे ना होगा, ना अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, बल्कि क्रॉस में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद सेल्स डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय किससे कम्युनिकेट कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखना, मैं भूल गया कि यहाँ पे मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट लिखना है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स नहीं होते हैं, बल्कि इसको हम ऐसे, अगर आपके एग्जाम में भी आए तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप्स नहीं बनते। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, एक्सटर्नल जैसा कि नाम से हमको पता लग रहा है कि बाहर की तरफ हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशंस विद सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स एटसेट्रा। तो हम अपने रिलेशन बना के चलते हैं अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर से, अपने बिजनेस पार्टनर से, ताकि हमें अच्छा से अच्छा जो रॉ मटेरियल है वो हमको मिल सके। तो हमें रिलेशन बना के सबसे चलना होता है, कस्टमर से भी रिलेशन बना के चलना होता है, तो उसके लिए जो हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।